अब उसमें भी नहीं पढ़ पाए, कल पे टालते रहे। ये तीन दिन है आज रहने दो, दो दिन में तो मैं पूरी तैयारी कर लूंगा। अब वो भी चला गया तो गाड़ी में गैस पेपर लिए कॉलेज जाते जाते रास्ते में पढ़ रहा है और दिमाग थक रहा, तो कहते अब छोड़ो रास्ते में, वहां जो एक घंटे का टाइम मिलेगा वहां पढ़ लूंगा। वहां निकाल के बैठे, कोई साथी आ गया, बोले अब क्या, अब तो जो होना हो सो होए, तो चलो अब जो होना हो सो होए। आलस का मंत्र है अभी उठते हैं, अभी उठते हैं, कर लेंगे बाद में होगा। जैसे कहा जाता था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। तो आलसी लोग कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी क्या जल्दी है, जीना है बरसों। आलसियों को तो बड़ी भारी कहानी है कि एक आलसी एक पेड़ के नीचे लेटा था, दो लेटे थे, एक के सीने पे आम गिरा हुआ था। देहात में एक कथा सुनाते हैं लोग, तो उधर से एक जमींदार साहब गुजर रहे थे। एक आलसी चिल्लाया, बोला जमींदार साहब मैं बड़े मुसीबत में हूं। बोले क्या तकलीफ है, मेरे सीने पे आम गिरा है, जरा मेरे मुंह में खिला दीजिए। तो उन्होंने आके कोड़ा लगाना शुरू किया, तो एक पड़ोस में लेटा हुआ था, बोला सर दो चार कोड़े और लगाइए। बोले क्यों, कल से कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, उठाने नहीं आया। वो इससे भी बड़ा था। आलसियों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में बहुत से बड़े बड़े आलसी पहुंचे कि मैं इतना बड़ा आलसी हूं, तो खाना भी ला के देना पड़ता है, तो मैं नहाता हूं महीने में, वो भी थोड़ा पानी डाला उतने में ही काम चल जाता। तो एक आलसी ने खबर भिजवाई कि मैं इतना बड़ा आलसी हूं कि आ ही नहीं सकता, उसे ही प्रथम पुरस्कार दे दिया गया। मैं इतना बड़ा आलसी हूं, घर बेड से उठ ही नहीं सकता, मैं तो यहीं पड़ा रहता हूं, भेजना है तो भेज दो, मैं लेने नहीं आ सकता। तो आलस्य सबसे बड़ी विपत्ति है। एक असुर राक्षस के मन में हुई, संन्यास ले ले साधु बन जाए। तो एक महात्मा के पास गया कि बाबा मुझे साधु बना दीजिए। तो बोले कि साधु बनने के लिए सब त्याग करना पड़ता है, जो तुम्हारे पास है सब बांट दो, धन दौलत जो भी वैभव, यहां तक के कपड़े भी हम देंगे तुमको, गेरुआ वस्त्र तुम अपना सब बांट दो, कुछ भी तुम्हारे नाम नहीं होना चाहिए, नाम भी बदल जाएगा, पिता का नाम भी खत्म हो जाएगा, कुल खानदान खत्म हो जाएगा। वो शैतान था, उसने कहा ठीक है, नीलामी लगाई, एक ट्रक बेईमानी, दो ट्रक लूटपाट, ऐसे करके नीलामी लगाई। ये सब हमारे पास है, असुर के पास दूसरा कुछ था ही नहीं, यही सब था, तीन ट्रक करप्शन, लोग ले गए एक एक, फ्री में मिल रहा उठा के ले गए, क्योंकि फ्री में मिले तो अपने यहां के लोग तुरंत उठा लेते हैं। 20 साल पहले की घटना है कि अमेरिका किसी के यहाँ गए हम, तो वहां एक उनके साड़ू भाई नए नए अमेरिका पहुंचे थे, तो वहां गैरेज सेल, सोफा वगैरह पुराना हो गया तो कौन बनवाए, कौन रिपेयर कराए, बाहर रख दिए गैरेज के सामने, पैसा कुछ रखना है तो रख के जाओ या तो ऐसे ही उठा के ले जाओ। तो वो हमारे साथ के म्यूजिक वालों को ले गए, बोले कहाँ जा रहे हैं, बोले सोफा लाना है, उठा के ले आए, अपने घर में सजा लिया, नया ही लग रहा है, क्या दिक्कत है। तो फ्री भी मिले तो अपने यहाँ के आदमी कुछ भी नहीं छोड़े, जितने करप्शन बेईमानी लोभ मोह सब उठा ले गए। अब स्वामी जी गए, बोले सब कुछ दान कर दिया, बोले कर दिए, ये बोरी में क्या है, बोले मुझे भी भरोसा नहीं कि संन्यास में सफल हो जाऊं, तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, तो ये क्या है, बोले ये आलस्य है। तो इतना थोड़ा सा आलस्य, एक बोरी, इतने ट्रक ट्रक तुमने सब बांट दिया, बोले ये कमाल की चीज है, एक बोरी भी है तो मेरा बिजनेस फिर से चालू करा देगी, इसी से लोभ भी आ जाएगा, इसी से बेईमानी भी आ जाएगी, इसी से टेंशन भी आ जाएगा, इसी से झगड़ा झंझट सब आ जाएगा, आलस्य, सिर्फ आलस्य को पालने से। समय के सदुपयोग में बाधक है आलस्य, इसलिए जीवन में सफलता पाना तो सिर्फ आलस पे विजय पाले तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा।